अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आरकेजे। दोस्तों मैं बिल्कुल अल्लाह ताला के करम से फिट फाट, और उम्मीद यही है कि आप लोग भी फिट फाट होंगे। अच्छा फ्रेंड्स, सर्दी का मौसम है, अच्छी खासी कराची में सर्दी पड़ रही है। दूसरा, आप लोगों को जैसे पता है कि लाइट का जो शटडाउन हुआ है पूरे पाकिस्तान में, बुरी कंडीशन है, ना मोबाइल के सिग्नल्स हैं ना ही इंटरनेट प्रॉपर तरीके से चल रहा है, लेकिन हेल्थ पर हमें कॉन्सेंट्रेट करना है, इसलिए हम जिम आ गए हैं। मुख्तलिफ तरह की टेंशन है, परेशानियां हैं, उसके साथ साथ हमें जिम करना है ताकि हम इस किस्म की जो टेंशन है, इन परेशानियां, इनसे लड़ सकें, फाइट कर सकें। तो हम आप लोगों को भी ये कहते हैं कि सिर्फ टेंशन ना लें, टेंशन के साथ साथ आप एक्सरसाइज वगैरह भी करें ताकि आपकी बॉडी पे जो उसके बुरे असरात हैं वो कम से कम पड़े। तो आज हमारा जो मसल्स है दोस्तों वो चेस्ट है। चेस्ट को हम वार्म अप करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, उसके बाद हमारा चेस्ट का वर्कआउट स्टार्ट होगा, वो हम आपसे शेयर करते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, जो फर्स्ट हमारी एक्सरसाइज है वो है इंक्लाइन डंबल प्रेस। इंक्लाइन डंबल प्रेस के हम 4 सेट्स परफॉर्म करेंगे, 4 सेट हम इसके लगाएंगे, रेप्स होंगी हमारी 10 to 12। अच्छा फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वो इंक्लाइन बारबल प्रेस है। इंक्लाइन बारबल प्रेस के भी हम 4 सेट्स परफॉर्म करेंगे, रेप्स होंगी हमारी 10 to 12। कंट्रोल वे में करना है, जो आपकी स्ट्रेंथ है उसी हिसाब से आपने वेट यूज करना है। अच्छा व्यूअर्स, नेक्स्ट जो अब हमारी एक्सरसाइज है वो डंबल बेंच प्रेस है। फ्लैट बेंच पे हम डंबल प्रेस करेंगे, इसके भी हमारे 4 सेट्स होंगे, रेप्स होंगी 10 to 12। अच्छा, लाइट का आज आपको इश्यू लग रहा होगा कि वीडियो में लाइट का थोड़ा मसला है। अच्छा, जिस तरह से आपको पता है पिछले तकरीबन 48 घंटे हो गए हैं और लाइट की प्रॉब्लम ही है, तो जिम का हमारा जो जनरेटर है वो भी जवाब दे गया है। मॉर्निंग का टाइम है और हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोगों तक हम पहुंचाएं, तो जिस तरह की क्वालिटी है आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो हम अपनी एक्सरसाइज पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अच्छा दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वो मशीन बेंच प्रेस है, इसके भी हम 4 सेट्स परफॉर्म करेंगे, रेप्स होंगी हमारी 10 to 12। अच्छा, ये जो मशीन प्रेस है ये हम स्मिथ प्रेस पे, स्मिथ मशीन जो होती है उस पर हम इसे परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आपके पास ये मशीन अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल बेंच प्रेस भी लगा सकते हैं। 4 सेट्स, रेप्स हैं 10 to 12। अच्छा व्यूवर्स, नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वो सीटेड केबल फ्लाई है। सीटेड केबल फ्लाई के हम 4 सेट्स परफॉर्म करेंगे, रेप्स होंगे हमारी 10 to 12। कंट्रोल वे में परफॉर्म करना है, बिल्कुल जर्क नहीं देनी, स्लोली ग्रेजुअली आप अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से वेट इसमें लिफ्ट करेंगे। अच्छा व्यूवर्स, नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है मशीन फ्लाई, जिसे बटरफ्लाई भी कहते हैं, हम इसके 4 सेट्स परफॉर्म करेंगे, रेप्स होंगी हमारी 10 to 12। अच्छा फ्रेंड, नेक्स्ट जो अब हमारी एक्सरसाइज है वो लो टू हाई पुली है, और इसके भी हम 4 सेट्स परफॉर्म करेंगे, रेप्स होंगी हमारी 10 to 12। कंट्रोल वे में इसे आपने लगाना है, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से।
अच्छा व्यूवर्स, वर्कआउट आपने आज हमारा देखा, हमने आपके साथ जबरदस्त किस्म का चेस्ट का वर्कआउट शेयर किया था। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, देखें बहुत सी चीजें, डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, कुछ तो ऐसी हैं जो हमारे अपने, यानी कि मोस्टली तो हमारे अपना जो हमारा तरीकेकार होता है, जिसे कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, ये हमारी और जो हालात हैं, अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे। मुल्क के हालात आप लोगों को पता है, फाइनेंशियल कंडीशन लोगों की पता है, तो ऐसी पोजीशन में लोग हमसे कहते हैं कि यार ये पोजीशन है, ये है। तो मैं कहता हूँ भाई, फिर तो आपको और ज्यादा जरूरी है कि आप सुबह उठें, नमाज पढ़ें, जल्दी उठें, अल्लाह से दुआ करें और सुबह में आप एक्सरसाइज करें। ये आपको टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी से बहुत हद तक बाहर करता है। आज का रिकैप हम आपको बता दें, हमने सबसे पहले वार्म अप किया, स्ट्रेचिंग की है, उसके बाद हमने ट्रेडमिल किया, आज हमने मैनुअल ट्रेडमिल किया बिकॉज लाइट की आपको मैंने बताया कि पूरे कंट्री में ही प्रॉब्लम है, सिर्फ कराची में नहीं, पूरे पाकिस्तान में यही मसला है। अच्छा, उसके बाद हमने अपने चेस्ट का जबरदस्त किस्म का वर्कआउट था, अपर चेस्ट का ब्रॉड के लिए बहुत जबरदस्त किस्म का ये वर्कआउट था, वो किया। उसके बाद हमने फोरआर्म्स ट्रेन किया, फोरआर्म्स के बाद हमने ट्रेडमिल मैनुअली दोबारा की है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि लाइट का इशू है। अच्छा, जो चीजें मैंने आपको बताई है ना भाई, देखें मुख्तलिफ लोग हमसे बात करते हैं कि यार आपका चैनल कैसा चल रहा है, कॉन्टेंट कैसा है आपका, ये वो, तो मैं उन्हें यही बात बोलता हूँ, कहता हूँ कि भाई जैसे लोग जो देखना चाहते हैं ना, लोग उसी कंटेंट को प्रमोट करते हैं। अब अगर हमारा कंटेंट ऐसा है जो प्रमोट नहीं हो रहा, इट्स मीन कि लोग किसी और तरफ उनका माइंड है। तो मैंने जिन्होंने मुझसे ये सवाल किया, जिन जिन लोगों ने, मैंने कहा आप क्या चीज देखते हैं, आपके लाइक्स या शेयर या सब्सक्राइब किन चैनल्स पर है, तो जैसी आपकी सोच होगी उसी तरह के आप कॉन्टेंट को सब्सक्राइब करेंगे। तो ये तो सबकी सोच पे इन्हीं है इस चीज का कि वो क्या चीज देखना चाहते हैं। बस आज आपके भाई का मैसेज यही था, इंशाल्लाह ताला दुआ में रखिएगा अपने भाई आर के जे को, इंशाल्लाह ताला नई एक्सरसाइज के साथ, नई टिप्स के साथ नए व्लॉग में हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।